जी कैसा लगा ये? आंखों पे यकीन नहीं आ रहा। खूबसूरत घर है भाई। बिस्मिल्लाह जी, मैं एक सेब तोड़ने लगा हूँ, इजाजत ली है मैंने। यार ये पत्तों से ज्यादा इस पे फल है, चुके नु फल लगता है जी। इत्थे आज मैंने पता लग गया वाइनरी है, वाइन बनती है, तो ये चेक शेक करने आते हैं। ये पर बतों की शाहजादियां। आगे चलते हैं जी। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। इंज करके पियां ने बोटियां कहंदियां ने खा लो सानू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जान रैम्बो और आप देख रहे हैं जान रैम्बो यूट्यूब चैनल। आज हफ्ता है जी, सैटरडे और 13 अगस्त है, और हम जा रहे हैं। ठहरे, पहले मैं दिखाता हूँ, आज माशाल्लाह पूरी टीम है। और अपने नाम जल्दी जल्दी बताते जाओ। दानियाल चीमा। दानियाल चीमा है, हमारी भाभी है मिसेज बाजवा, और एनी है, आपने एक वीलॉग में देख लिया होगा, और अरशद है, अरशद शहरयार, शहरयार हैं, और ये हैं जी जिनका जिक्र मैं 2 दफा कर चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्र। पहले दिन इनके घर हमने इतना अच्छा खाना खाया, सारी थकावट उतर के खाना खा के, और उसके बाद ऐसे हम बेहोश हुए, 6-7 घंटे सोए। इंशाल्लाह आपको। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं? हम 2 जगह पे जा रहे हैं। अच्छा, एक वाइनरी है पहाड़ों के ऊपर, ठीक है, ब्लू मार्ट, ठीक है, सेकंड है शेनडोआ वैली। ओके, तो मजेदार जगह है, बहुत खूबसूरत जगह। ये मेरे देखने वाले बोर तो नहीं होंगे? नहीं नहीं, वो अच्छा, सही एंजॉय कर रहे हैं इसको। नहीं हां, वहां के लिए छोड़ दें। अच्छा, तो रास्ते में कुछ आपको थोड़ी छोटी बुला दे। चले ठीक है जी, चलते हैं सफर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो आदी, क्या हाल है? दिल दिल पाकिस्तान पूरा इसको आता है। हाँ जी, कल 14 अगस्त भी तो है ना। हाँ जी, कल आप सुनाओगे दिल दिल पाकिस्तान? सुनाओ। इधर देखिए ना, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान। वाह, सेवा जाना कहाँ बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। ये देखे जी, इनके दिलों में भी पाकिस्तान ही धड़कता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, पाकिस्तान जिंदाबाद। चले जी सफर पे चलते हैं। हाँ कैसे? जोर से, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलें जी, चलते हैं जी। सफर चल पड़ा है, हमारे साथ 1, 2, 3 और 4th गाड़ी हमारी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सुभानल्लाह जी सखर लना हाजा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनकलिबून, सदकल्लाहु मौलाना अज़ीम। चलें जी, खैर खैरियत से निकल पड़े हैं। वाह ऐसा यार, जगह देखो है जी सर, यार क्या बात है, ये एक तरह का गांव है, लीजबर्ग ही है। फॉल में आते हैं, और फॉल में यहाँ की ब्यूटी इमेजिनेबल, यू कैन नॉट सी लाइक हाउ मच ब्यूटीफुल इट इज। हाँ जी, कैसा लगा ये? आंखों पे यकीन नहीं आ रहा। जी हम जा रहे हैं, मुझे नाम याद हो गया, शेनडोआ, सही प्रोनाउंसिएशन सही है? यस यस, ओके।
पूरा ड्राइव है और हर घर के बाहर ये लेटर बॉक्स मेन रोड पे घर का नंबर और घर का नंबर भी है। वाह वाह वाह, क्या सफाई है, क्या खूबसूरती है, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। बर्फ पड़ती होगी तो सारा वाइट। बाएं बाएं एक घर के कितनी ज्यादा हरियाली है। अब ये घर देखें, हाँ हाँ हाँ। और ये जितने घर वाले हैं ना, इनको अपनी ग्रास मेंटेन करनी पड़ती है, अगर ना करें तो उनको ना लेटर वार्निंग आ जाती है। खूबसूरत घर है भाई, ब्लू माउंट वैली, ये सारी ब्लू माउंट वैली है। मैं तो परेशान हो रहा हूँ देख देख के। आप बताएं आपको कैसा लग रहा है? ख्वाब लग रहा है, ख्वाब। ये देखिए, ये देखिए, से हम बाहर निकल आए हैं। अब हम जा रहे हैं शेनंडोगा, वो बीच में, वो खूबसूरत बीच में, वो खूबसूरती दिखाने के लिए उधर से आए थे हम। बाकी बहुत ही मज़ेदार, बहुत मज़ा आया। अब हम जा रहे हैं शेनंडोगा। ये सारे फॉर्म, ये वाइनरी है एप्पल का। अच्छा, अच्छा जी, लोग यहाँ आके अपनी मर्ज़ी से फ्रूट तोड़ते हैं ताज़ा, जैसा हम खानपुर डैम के पास माल्टे दरख्त से खुद ही तोड़ते हैं और पैसे दे देते हैं। देख सकते हैं, वैसे उधर ना यहाँ पे वो लगाए होते हैं, आप लोग आते हैं और यहाँ पे आप एप्पल पिकिंग करते हैं। अच्छा, लेकिन आजकल वैसे उन्होंने ना सीजन ऑफ होने की वजह से लगाया नहीं हुआ, लेकिन वैसे आप यहाँ स्टॉल लगते हैं या खुद आके? हाँ, यहाँ पे ना बेसिकली स्टॉल लगा होता है सीजन में, और फिर आप जाते हैं, बास्केट देते हैं आपको। बास्केट दे देते हैं, हाँ। सारे चले जाओ, सारियां फैमिलियां जितने मर्जी खा लो। अच्छा, टोकरी भर ले आओ, $15। अच्छा, बस लास्ट टाइम ऐसी है ना, $15 में खा भी लें, एक टोकरी भी भर लें, सारा गार्डन अंदर ना घूम फिरे सन। ये देखें जी, माशाल्लाह कितने सेब हैं, एक छोटा से छोटे पौधे, वाह वाह वाह। सीजन ऑफ है, ये सूख गए हैं। बिस्मिल्लाह जी, मैं एक सेब तोड़ने लगा हूँ, इजाज़त ली है मैंने। वाह, ये देखें जी, वाह। अब देख तो कैसे काटता है। मधिया, मधु, सब जने लोग पूरे गार्डन में जितना एरिया है ना, सब सेब के गार्डन में, सारे दूर तक सब सेबों का बाग है। ये नए पौधे लगाए हैं वाइनरी के उत्ते पहाड़ दे, तो अंगूर ने। हाँ जी, अंगूर तुसी खाओ, बेशक विधे मर्जी है। लो चलो आजो, चलें जी। ये दूसरे हैं जी, वाइट वाले, ये जूस वाले होते हैं।
इनका बड़ा अच्छा जूस निकलता है वाइट, माशाल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह। यार ये पत्तों से ज़्यादा इस पे फल है, मैं आपको धूप वाली साइड से दिखाता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह। अरे वाह वाह वाह, कुदरत के नज़ारे। अल्लाह 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 अल्लाह, वाह रे वाह। रास्ते में हम ये रुके, हमने बहुत मज़ा आया, और इतना माशाल्लाह फल से लदा हुआ पौधा, हर पौधा चुके नू फल लगता है, जो आज मैंने पता लग गया। और ये इतना मज़े का ना, कड़क सेब है, कड़क। अब बचपन याद आया, मरी वाली बाजी के घर में इस तरह के सेब हम खाते थे, वो ग्रीन वाले जो मैंने आपको दिखाए हैं, वो रेड नहीं थे, ग्रीन होते हैं। तो वही टेस्ट आया, वही मज़ा आया। लेकिन सुभान अल्लाह जी, क्या बात है। बेगम साहिबा, आपको कैसा लगा? आप खा रही हैं? और ये सेब डेली एक खाती हैं बड़े अरसे से, इनका सबसे फेवरेट जो फ्रूट है वो सेब है, नंबर वन ना, पहले नंबर पे। चल ऊपर जा रहे हैं अब हम जी। अंगूर शुरू हो गया जी, अंगूर की बेलें हैं। अंगूर तो इस वक्त उतर गया होगा। पर आ गया, अंगूर लगा हुआ है अभी, यहाँ ज्यादा काला अंगूर होता है। अंगूर से और इनसे वाइन भी बनाते हैं। हाँ जी, लोग बहुत आए हुए हैं, वाइनरी है कि या वाइन बनती है, तो ये चेक शेक करने आते हैं। है ड्रामा जड़े लकड़ वाइन तैयार हो गई। हाय हाय हाय, वाइन ये तुसी अंगूर खाओ, बेफिक्र हो, ये दी वाइन बन गई अंगूर की। सारिया क्यारियाँ सारी सारा अंगूर है। ओहो, ये देखें जी व्यू। और ये वाइन पीने आते हैं ये सारे, वीकेंड है जी, इंजॉय कर रहे हैं। हैं ये सब जो है ना, सब अंगूर लगे हैं, अंगूर तुम खा सकते हो। हाँ हाँ, ये भी तैयार हो रहा है, ये तैयार हो गया है। ये ऐसे ही अंगूर हमारे घर में भी है, खट्टा है। हाँ, त्यौहार हो ना, ब्लैक हो जाए। हाँ जी हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए ये वर्जीनिया की खूबसूरती। और रैम्बो भाई, एंजॉयिंग हियर, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी वैली है यार, बहुत खूबसूरत वैली है। मजा आ गया, धूप भी है लेकिन चुभ नहीं रही, हवा चल रही है। चले आए कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, पहले बना मुझे भी अच्छा लगा, व्यू जबरदस्त है। अब और आपको कैसा लगा? ये तो बाद में पता चलेगा। क्या पूछ रहे हैं? अंगूर की बेले। क्या पूछ रहे हैं? कैसा लग रहा आपको है? कैसा लगा ये आपने बताया, ये जगह, ये माहौल, ये मजे, ये वादियाँ, ये पर्वतों की शाहजादियाँ। आगे चलते हैं,
जी जगह का नाम बताना तो भूलेंगे, ब्लू माउंट सिटी ये था जी। और पिछला क्या था पता नहीं, याद नहीं रहा मुझे। लीजबर्ग के अंदर ही थे वो सारे जो घर थे खूबसूरत। ये भी बहुत, ये है जरा देहाती स्टाइल विलेज। शायराना अंदाज तो रास्ते में हमें इन्होंने दो बड़ी खूबसूरत जगहें दिखा दी हैं, तो अब जहाँ लेके जा रहे हैं ये ना वो जगह इनके आगे फीकी पड़ जाए, ऐसा तो नहीं होगा है? उसका अपना एक मजा। गांव की गलियां छोड़ाए हम, अच्छा जी वापस हम मेन रोड पे आ गए। अब हम फिर अपनी मंजिल की तरफ शेनंडोवा। एक मिनट अच्छी बताएं, अब सीधे जाएंगे या कहीं और रुके? नहीं नहीं अब सीधे ही जाएंगे। अब सीधे जाएंगे, चलें अब हम जा रहे हैं। जंगल के रास्ते से होते हुए अब हम यहाँ पहुंचे हैं जी। ये पहला है ये स्पॉट या आगे भी हैं कुछ? नहीं आगे नहीं है। बहुत है इधर से, व्यू से इतना नहीं है। अच्छा जी हाँ, एक जगह से उधर से ज्यादा अच्छा, एक और जगह से ज्यादा भी अच्छा था। हाँ वो आगे आते ही जाएंगे। अभी तो हम यहाँ खाना खाएंगे, बहुत भूख लगी हुई है और भाभी सुबह से पुलाव बना के इंतजार कर रही है कि मैं कब खाऊंगा, बल्कि सब कब खाएंगे तो बिल्कुल ही। रोटी पहले हूँ ब्लू रिज माउंटेन। अच्छा लंच टाइम और तकरीबन 80 मील तक डिफरेंट एरिया जो उतर के जाके पार्क वापस इधर ही आना या गोन निकल जाओ? बहुत रास्ते लेकिन अच्छा ऐसा हूँ कार तो नजदीक है इधर। अच्छा उधर अगर जाऊँगा तो थोड़ा दूर पेगा लेकिन कोई मसला है। इसी तरह देने जगह उतर के तुसे व्यू करो और बिल्कुल बिल्कुल ऐसा डिफरेंट जगह देने डिफरेंट छोटे छोटे पहली जगह का नाम हमने गलत ले लिया था जो पहला जगह थी ब्लू मार्ट थी ब्लू नहीं सबसे पहली जगह लीजबर्ग वो लीजबर्ग ही है वो लीजबर्ग उसको हम ब्लू माउंट कह रहे थे नहीं नहीं ब्लू माउंट ये दूसरा था वो लीजबर्ग के घर थे जी वो लीजबर्ग। ओके चलो जी खाना निकालो। उधर किधर जा रहे हो? देखो बेंच वगैरह यहाँ पे वो
दिखाओ जरा, बिरयानी का जिक्र बड़ा हो रहा था। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, इंज करके पिया ने बोटियां कहंदियां ने खा लो सानू, बंद कर दो बंद कर दो, माशाल्लाह नजर ना लगे जी। अब तैयार होते हैं जी खाने के लिए। इस तरह के व्यू वो कहते हैं जी, स्पॉट बने हुए हैं काफी काफी सारे, बहुत से स्पॉट आएंगे जहाँ पे सही व्यू नजर आएगा आपको ना, आगे बहुत स्पॉट आएंगे। तो पाकिस्तान जैसा बिल्कुल, ये वाली जगह बिल्कुल पाकिस्तान, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से थोड़ा आगे पहाड़ी इलाका, तो फिर ऐसे ही है। हाँ जी जैन साहब, कैसा लगा? बहुत अच्छा है ना। वो भाई क्या कर रहा है अपना? सहूलतें बहुत हैं जी, इतने अच्छे वॉशरूम, साफ सुथरे, वहाँ बैठ के खाना खाने की जगह। ये चल पड़े जी हम, गाड़ियाँ वहाँ पार्क कर दी, आ जा। और अब हम जा रहे हैं अंदर, वाह जबरदस्त। टेबल दिए हुए जी, सहूलत जी सहूलत, फैसिलिटेट। ये देखें यहाँ खुद बनाए आप, बारबेक्यू का सिस्टम भी है, आग बाल लेते चलो जी। वो सामने है एक फैमिली और हम यहाँ जी खाने के इर्द गिर्द हो चुके हैं। खाना खा लिया है, बहुत मजा आया, बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया खाने का, है। नहीं बहुत मजा आया, और ऐसी जगह पे बिरयानी मिले और वो भी कोसी कोसी, पूरी गर्म नहीं, लेकिन वो शुक्र है ठंडी नहीं हुई। हाँ जी ये बहुत मजा आया, हमारा छोटा प्रिंस खुद लगा हुआ था। बिरयानी देसी बैठक थी, बहुत अच्छी। ये यहाँ पे है कोई देसी बैठक की आज? तो ये इससे अच्छी तो कोई नहीं लग रही थी। हाँ तो बड़ा मजा आया। नहीं आप वो बिरयानी की बात करते ना, खाना बहुत अच्छा था, पुलाव बहुत अच्छा था। हाँ हाँ क्या यहाँ गर्म भी कर सकते थे हम, लेकिन चावल गर्म नहीं होते ना इस तरह। नहीं वैसे मैं बता रही हूँ। ओए होए, चाय चाय बन सकती थी यहाँ, यहाँ चाय बन सकती थी। ओए होए, अब चाय का दिल कर रहे हैं, क्या करें आप। कितने लोग यहाँ आते होंगे दिन में? किसी जगह आपको कोई कागज कोई शॉपर नजर नहीं आएगा, खुद अपना सामान सारे साथ ले जाते हैं। हम अपने पार्कों में क्यों नहीं लेके जाते? ये देख, ये है तरीका, ये है तरीका, हाँ ये है सही तरीका। तो ये जाते हुए हम इसकी जगह पे छोड़ेंगे, ट्रैश कर देंगे ट्रैश के वाले। चलो ये जी, इतनी सी बात होती है, हम पता नहीं कब समझेंगे। ये देखें, हसन भाई आपका और मेरा तो भाई एक जैसा ही ड्रेस हो गया, कलर हमने कोई कलर कोई हमने सेम ही पहन लिया है, शेड डिफरेंट है बस। हाँ बस हल्का सा जी, खाना खाया है, कोई कागज कोई चीज, यही एक वादा करे मेरे साथ। अब आप भी अपने पार्क में जाएंगे किसी भी जगह रोड पे, तो आप इसी तरह सफाई का ख्याल रखेंगे। ये देखें कितने लोग आते हैं कितने जाते हैं, बिल्कुल साफ सुथरा। हमें भी ख्याल करना चाहिए यार अपने तौर पे, कम से कम हम शुरू तो करें ना। आज वादा करते हैं हम भी अपने पार्क्स को अपने रोड्स को इस तरह साफ रखेंगे इंशाल्लाह।
इतनी सारी प्लेस हैं, सब पे जा नहीं सकते। ये व्यू जो है ना, ये दामने को जैसा ही है बिल्कुल। अच्छा जी, इस जंगल में ये जानवर है। ओ रीच भी है। जी सर, रैम्बो साहब का चैनल सब्सक्राइब करें, जॉन रैम्बो यूट्यूब चैनल। और आप साहिबा मैडम का चैनल सब्सक्राइब करें, लाइफस्टाइल विद साहिबा। थैंक यू सर। जी अब एंटर हुए थे साउथ से और नॉर्थ से हम वापस जा रहे हैं, एग्जिट करेंगे। और ये था आज का व्लॉग, आप नज़र आ रही हैं पीछे। हाँ, तो आपको कैसा लगा देख के बताइएगा। और अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें और खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। रब रखा। आप देख रहे हैं जॉन रैम्बो यूट्यूब चैनल। टैन टैन देखते रहिए। हाँ ना।